हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको आज जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई किया जाएगा वो प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। और ये ओपिनियन मेरी है जो अभी अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहते हैं और ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं। देखिए, मैंने पैनल खोल लिया है। ये पैनल आपको पता ही है, कह रही है gst.in gov.in पे हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड के बाद हम लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद हम सर्विस पे जाएंगे। सर्विस पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है, जिसके अंदर हमें टैक्स पेयर डालना है। उसके बाद अपना स्टेट डालना है। स्टेट डालने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। जैसे हम दिल्ली से हैं तो हम अपना दिल्ली डाल दिया हमने। दिल्ली डालने के बाद हम ईस्ट दिल्ली से हैं, हमने ईस्ट दिल्ली डाल लिया। यहाँ पे अपना पैन कार्ड पे जो आपका नाम है, यहाँ पे वो नाम मेंशन करना है। और यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे अपना ईमेल डालनी है जो आपकी यूज़ कर रहे हो, जो आप ईमेल आईडी। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कैप्चा डालना है, प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद आपका एक TRN नंबर जनरेट होगा। देखिए, यहाँ पे टेम्पलरी रेफरेंस नंबर होगा, इसके बेस पे लॉगिन होगा। ये TRN नंबर जनरेट होने के बाद कुछ इस टाइप का, TRN नंबर जनरेट करने पे कुछ इस टाइप का आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपको TRN नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है। उसके बाद एक OTP जनरेट होगा। वो OTP डाल के आपको कुछ इस टाइप का पैनल खुलेगा। देख सकते हैं, ये मैंने एक खोल रखा है, ये ड्राफ्ट है एक। उस ड्राफ्ट के अंदर आके फिर ये आपका एक्शन है। ये अभी जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा पैनल अभी लॉग आउट हो गया है। मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा दोबारा से। एक बार TRN नंबर बताया जाए मेरे को। 07 07 24 24 000 000 95 95 97 9 TRN. 9 TRN। ये देखिए फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे हमने कैप्चा डाला। उसके बाद ये प्रोसेस किया, यहाँ पे एक OTP आएगा। अब ये OTP आपके मेल और आपके मोबाइल नंबर दोनों पे आएगा। इसमें हम OTP डालते हैं अपना। एक बार आप OTP नाइन बताया, सिक्स फोर टू नाइन टू वन सिक्स फोर फोर टू वन फोर टू वन एक मिनट, 9 6 4 4 2 1। हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का पैनल ओपन होगा। ये ड्राफ्ट है, इसके अंदर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पैनल ओपन होगा। और सबसे पहले यहाँ पे एक हाईलाइट कर रहा है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, आधार अपना अपने मोबाइल नंबर से लिंक करना है पहले। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने ये पहले से प्रोसेस कर रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप अब ये अपना GST डिटेल अपना ओपन हो गई है। इसके अंदर हमें अपना जो डिटेल है वो डालनी है। देखिए, इसमें पहले बिजनेस डिटेल आएगी। बिजनेस डिटेल में देखिए, मैंने ये पहले से ही फिल कर रखा है कि मुझे बताने में दिक्कत ना आए और आप लोगों को भी समझ में आए कैसे कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको अपना ट्रेड नेम डालना है। आप ट्रेड नेम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। और प्रोपराइटरशिप में ये फॉर्म बननी है, प्रोपराइटरशिप हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपना स्टेट जो भी है आपका दिल्ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना, हमें ई कॉमर्स के लिए चाहिए था तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम आप यहाँ पे आज की ही डेट लेंगे। अगर दूसरी डेट लेंगे तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ा सा प्रोसेस होने में। उसके बाद इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, फिर यहाँ पे सेव करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे ये पैनल ओपन होगा जिसमें डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर आएगी। इसके अंदर आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे अपना जो लास्ट नेम है, अपने फादर का नाम इस टाइप से, यहाँ पे फादर का लास्ट नाम। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे मैंने डाल रखी है। देखिए, उसके बाद ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है, आप देख सकते हैं। मैंने सारी डिटेल फिल कर रखी है। आप इस वीडियो को देख, रोक रोक के भी देख सकते हैं। इस टाइप से वीडियो तो बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, बट कोई इतने डिटेल में नहीं बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या फिलअप करना है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना दिल्ली डाला हुआ है। फिर यहाँ पे आप इंडियन सिटीजन है तो यस ही रखना ही यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना, यहाँ पे पैन नंबर डाल के आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना इंडिया डालना है, अगर इंडिया से हो आप तो इंडिया में ही बनेगा फिलहाल। तो यहाँ पे आपको अपना फिर से पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, फिर इसमें अपना एड्रेस डालना है आपको, जैसे जैसे आपका एड्रेस है आपके आधार कार्ड पे। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको अपना, यहाँ पे एक आपका मतलब मैंने इसमें पहले से अटैच कर रखा है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या अटैच कर रखा है। यहाँ पे मतलब आधार लगेगा, यहाँ पे ऐसे करके। आधार लगाने के बाद यहाँ पे उसको सेव करना है, आधार की PDF अटैच करनी है यहाँ पे। उसके बाद उसको सेव करना है। सेव करके आप दूसरे पैनल पे आ जाएंगे, जिसमें आपको, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया। इस पैनल पे आने से पहले आपको एक ऑथराइज देना होता है कि आप किसी और को भी ऑथराइज करना चाहते हैं इस पैनल पे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन आता है, तो हमें उसको नो करके रखना है क्योंकि हम सिंगल ही पर्सन है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी और थ्राई सिग्नेचर, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी सारी डिटेल यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फिल होने के बाद अगर कोई डिटेल रह जाती है तो आप उसको मैन्युअली फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने कर रखा है, नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये अपना पैन कार्ड नंबर है अपना, और स्टेट है अपना। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना वैसे ही डिटेल डालनी है। वैसे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, बट अगर कुछ रह जाता है तो आप मैन्युअली इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको सेव करके आगे बढ़ना है इसको। एक सेकेंड, हम बैक कर रहे हैं इसको, और बैक करके इसको यस करके नो करेंगे हम। उसके बाद सेव करेंगे। ये देखिए सारी डिटेल आ गई इसके अंदर। उसके बाद फिर हम इसको सेव करके फिर हम अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आ जाएंगे, नहीं ऑथराइज पे आ जाएंगे। तो इसको इसको भी स्किप कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू करके। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना आपको एड्रेस, वो एड्रेस डालना है यहाँ पे आपको जो जिस एड्रेस पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। पहले तो आपने अपना आधार नंबर डाला, आधार एड्रेस डाला था। उसके बाद यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो बिजनेस करना चाहते हैं उस जगह का एड्रेस डालना है यहाँ पे इस टाइप से। जैसे देखिए डला हुआ है, पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, अपना विलेज डालना है, इस टाइप से डालते हुए उसको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे अपना वार्ड सेलेक्ट करना है आपको। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना फिर यहाँ पे डिटेल डालनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डली हुई है आपकी ऑफिशियल। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा कि मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हो आप, जो जिस जगह पे आप बिजनेस करना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पे सेरिट लगा रखा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रखा है यहाँ पे सेट करके। यहाँ पे भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स एडिशनल देना चाहते हो तो एडिशनल के लिए भी हैगा एक ऑप्शन यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी है, रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, या फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है आप सिलेक्ट करके उसको सेव करके आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं, और गुड्स एंड सर्विस। उसके बाद इसको भी सेव करके आप आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ पे आएगा गुड्स एंड सर्विस। ये गुड्स के लिए, ये सर्विस के लिए है, ये गुड्स के लिए। हम गुड्स सेल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 FSN डालना मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको 5 FSN डालना है। जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आप डील करेंगे उस प्रोडक्ट के HSN डालिए यहाँ पे, और HSN डाल के उसको यहाँ पे सेव कीजिए। जैसे हमने ये फुटवेयर के अंदर कैटेगरी ले रखी है, ये सारे FSN फुटवेयर के हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे हम अगर सर्च करेंगे तो सर्च करेंगे, जैसे इसके अंदर हम 2-4 FSN डालेंगे, जैसे उसके उस FSN की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस टाइप से आप उसको सेव करके उसके बाद 5 FSN यहाँ पे मैंडेटरी है आपको सेव करना। इसको सेव कीजिए, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाइए। उसके बाद ये इस पेज को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसको फिर से सेव करिए। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन होगा, ये देखिए जैसे ये हो रखा है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, और ये वार्निंग आएगी, एक वार्निंग आती है ये। उसके बाद ये एकदम लास्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आई एग्री करके इसको, मतलब कि हम ये GST अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ऐसे करके इस टाइप से ये आएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस डालिए। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे जैसे हम दिल्ली से हैं, यहाँ पे आप दिल्ली लिख दीजिए मैनुअली। दिल्ली लिखने के बाद यहाँ पे फिर आप EVC करके सबमिट विद EVC, EVC करके आप करेंगे तो आपके पास मोबाइल पे या आपके ईमेल आईडी पे OTP आएगा। OTP आएगा, OTP डालिए। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते ही आपको 10 से 15 दिन या 20 दिन में आपको पता चलेगा कि आपका GST नंबर अप्लाई हो गया है, वो फेल होगा या पास होगा। थैंक यू।